पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें 199 बूथ के 1100 कार्यकर्ताओं ने भाग लिए। कार्यक्रम का आगाज परनामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर परनामी और भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सतीश चंद्र ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। परनामी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। सम्मेलन में पुष्कर विधायक सुरेश रावत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पालिका उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत, पार्षद महेश पाराशर, मंजू डोलिया सहित भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए परनामी ने वसुंधरा सरकार के काम गिनाते हुए बताया कि सरकार ने 2 सालों में जनता के हितों के लिए बहुत काम किए हैं। कांग्रेस के 5 वर्षों की अपेक्षा में वो 2 साल में ही जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के बारे में परनामी ने चर्चा करते हुए आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही। और 2 वर्ष आदरणीय वसुंधरा जी की जो सरकार थी, हमने जो सड़क के क्षेत्र में काम किया, रोड का काम किया, हमने गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो हमने काम किया, विद्युत में जो हमने काम किया, अपने शिक्षा में जो हमने काम किया, चिकित्सा में जो हमने काम किया, हमने 2 वर्षों का तुलनात्मक विश्लेषण आज हमने कार्यकर्ताओं के सामने रखा। कार्यकर्ताओं को इस बात का ताज्जुब हुआ कि जितना कांग्रेस ने सरकार ने काम किया था, उससे डबल ढाई गुना काम इन 2 वर्षों में आदरणीय वसुंधरा जी ने राजस्थान प्रदेश की जनता को समर्पित किया। परनामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस स्वयं दलित विरोधी है और बाबा साहब अम्बेडकर से भी कांग्रेस ने अभद्र व्यवहार किया था। डेल्टा प्रकरण में सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा और प्रकरण में परिवार के निवेदन पर सीबीआई को जांच सौंपने की बात भी कही। जब से देश हमारा आजाद हुआ है, जितना शोषण दलितों का कांग्रेस ने किया है, उतना शोषण किसी ने नहीं किया। बाबा अम्बेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोक दिया, गेट बंद कर दिया, ये क्रियाकलाप है कांग्रेस के। आज हमारे पे वो आरोप लगाती है। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम दलितों को सम्मान भी देंगे और दलितों का विकास भी करेंगे। इस प्रकार के झूठे अनर्गल आरोप लगाना कांग्रेस को बंद करना चाहिए।